together for Dr. Parathasarathi. देखिए, ये रूसी जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, इंग्लिश में जिसको डैंड्रफ बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो स्काल्प है उसको क्लीन रखना चाहिए। तो उसके लिए रोज़ एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करना, रोज़ सर धोना और एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करना, ओके। और हो सकता है हफ्ते में दो बार या तीन बार डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं आप। और डैंड्रफ का ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर, कितना किसको कितना ज़्यादा है उसके ऊपर। तो एग्जैक्ट कारण जो है डैंड्रफ का वो तो नहीं बता सकते एग्जैक्टली। ऐसा होता है कि हमारे स्किन में बहुत सारे लेयर्स होता है, तो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो एक डेड लेयर होता है, उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। तो उसका जो ब्रेकेज होता है वही आगे जाके डैंड्रफ बनता है। तो डैंड्रफ किसी किसी को क्यों ज़्यादा है, किसी किसी को क्यों कम है, वो साइंस नहीं बता सकता। लेकिन ये देखा गया कि कुछ फैमिलीज़ में डैंड्रफ ज़्यादा है, कुछ फैमिलीज़ में कम है। और जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूस आजकल अवेलेबल है मार्केट में, वो आप हफ्ते में एक दो बार यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर सीवियर डैंड्रफ हो गया तब तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेडिसिन देंगे। हम लोग यूजुअली जो थोड़ा सा सीवियर डैंड्रफ हुआ तो स्टेरॉइड लोशन वगैरह देते हैं, जो तेल के साथ मिला के सर में लगाना है, लगा के रात को सो जाना है, सुबह उठ के शैम्पू से नहाना है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू या कीटोकोनाजोल शैम्पू या थोड़ा बहुत माइल्ड स्टेरॉइड शैम्पू। और ज़्यादा ये हो गए तो जैसे कभी कभी डैंड्रफ जिसको हम सोचते हैं वो सोरियासिस हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग कोल्टर शैम्पूज यूज़ करते हैं। बाद में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। कभी कभी फंगल एलिमेंट्स रहता है, एंटी फंगल टैबलेट्स वगैरह दिया जाता है, और खुजली के लिए कोई एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स दिया जाता है। तो मेन चीज़ है कि जो आपका स्काल्प है उसको क्लीन रखना। तो इसलिए आप एक माइल्ड शैम्पू हमेशा यूज़ करना।